राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। बबीता के चन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये मूंग की दाल और चावल से एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, और इस बनाने में बहुत ही सिंपल, खाने में बहुत यम्मी और इतनी हेल्दी है कि आपको बच्चे बड़े सबको खिलाने चाहिए, और काफ़ी प्रोटीन से भरपूर है। तो आज चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है, झटपट बनने वाली रेसिपी किस तरह से बनाई है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने स्टार्टिंग की वीडियो थोड़ी सी मेरे से नहीं हो पाई, पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कुकर में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसके अंदर थोड़ा जीरा, 2 लौंग और 2 काली मिर्ची डाल के प्याज डालकर जब भून ले, जब प्याज भून जाएगा तो इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें, नमक, 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर और 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें काला, क्या कहते हैं, गर्म मसाला डाला है। देखिए, जब प्याज मेरी अच्छी तरह मिक्स हो गई है तो मैंने इसमें ये जो पेस्ट बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ इसे अच्छी तरह भून लेंगे जब तक लहसुन अदरक में अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और ये मसाला अच्छी तरह पक ना जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाला, सूखे मसाले हमने ऐसे डाले हैं, लगे ना और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पर जिस टाइम पे आप मसाला डालेंगे, याद रखिएगा फ्लेम लो ही रखिएगा, जिस तरह मैंने रखा हुआ बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है। और आप इसमें खड़े मसाले और अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ जीरा, लौंग और काली मिर्ची ऐड करी है। और यहाँ देखिए, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी चावल था, उसको मैंने अच्छी तरह 4 से 5 बार धो लिया है और उसका पानी निकाल के रख दिया है। भिगोना नहीं है क्योंकि मेरा चावल भिगोने वाला नहीं था, अगर आपका चावल भिगोने वाला तो आप उसे भिगो सकते हैं। और यहाँ देखिए मसाला कितना अच्छे से पक गया, ऑयल ऊपर आ गया। अभी जो मैंने दाल चावल भिगो के रखे हुए थे वो मैं इसमें धो के रखे हुए थे सॉरी वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। सारे चावल और दाल एक साथ डाल देंगे हम। और फ्रेंड्स, मूंग की दाल वैसे आपको पता है कितनी हेल्दी होती है और कितना प्रोटीन से भरपूर होती है। रात को डिनर के लिए मज़ेदार सी रेसिपी है, डिनर में हमेशा हल्का फुल्का खाना चाहिए। आप ये डिनर बना सकते हैं, बच्चों के लंच में भी पैक करके दे सकते हैं, बच्चों का पेट भी भरेगा और ईजिली से वो खा भी सकेंगे। इन सब चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा पकने देंगे। इससे फ्रेंड चावलों का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और 2 मिनट बाद जब मैं उगाड़ के देखेंगे, हम हटा के देखेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा जो भी हमारा पानी था सब सूख गया है, और कितना अच्छा इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा दाल का कलर भी चेंज हो चुका है। और देखिए, याद रखिए बिल्कुल लो पे ही रखनी है गैस को। अब यहाँ मैंने इसी कटोरी से 1 कटोरी दाल 1 कटोरी चावल लिया था, तो मैं इससे डबल पानी रखूँगी क्योंकि मसूर की उड़द की जो मूंग की दाल होती है थोड़ा टाइट होती है, गलती थोड़ी सी है, इसलिए मैं इसमें डबल पानी डालूँगी। 2 कटोरी था दोनों चीज़ों को मिला के, तो यहाँ मैंने 4 कटोरी पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद हल्का सा ऐसे चलाएंगे, जिससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो चावल टूट जाएगा। हल्के हल्के हाथों से चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे इसका एक मैजिक, 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से टेस्ट बहुत ही यम्मी आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस सिंपल सी ये रेसिपी है, कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम मज़ेदार सा मील बनाएंगे। डिनर में रात को ऐसी गर्मियों में ऐसा हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, जो हमारे सेहत में भी लगता है और खाने में भी यम्मी लगता है। अब हम इसको 1 सीटी लगाने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, 1 सीटी आ गई है, गैस ऑफ कर दिए मैंने, और अब मैं इसको उतार के रख दूँगी जब तक कि इसका प्रेशर बिल्कुल निकल ना जाए। ऐसे ही पहले हाई प्रोटीन युक्त मैंने एक आपको चने की दाल की रेसिपी बताई थी, चने की दाल और सोयाबीन के चावल, उसकी भी मैं रेसिपी इसका ऐड कर दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत अच्छा डिनर के लिए कुछ अच्छा सा था। और ये देखिए, इसका प्रेशर निकल गया है और कितने अच्छे से मज़ेदार से बने हैं ये, इसमें खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल चावल की खिचड़ी तो आप कई बार खा चुके होंगे, आज इस तरह से इसके मज़ेदार से राइस बना के देखिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम सर्व कर लेंगे, और यहाँ एक इसके साथ सर्व करेंगे हम इसको, एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ, जिसमें आपको सर्व करना है आप कर सकते हैं। उसके लिए एक तड़का भी तैयार करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी यम्मी सा बन जाएगा, जो इसमें और मैजिक लाएगा। तो चलिए, इस मज़ेदार से रेसिपी, इस मज़ेदार से चावल के लिए, जो देखिए कितना अच्छा खिला खिला सा बना है,
इसके ऊपर मैं एक मज़ेदार सा तड़का दूंगी, जिससे मैजिकल तड़का है जो जिससे इसका स्वाद बहुत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब वो तड़का देखते किस तरह बनाएंगे। तड़के के लिए मैंने एक पैन रख लिया है, इसके अंदर फिर मैं एक चम्मच देसी घी डालूंगी। और देखिए इतना हेल्दी ये है हमारी, आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर खिलाइए। अगर आप ग्रोथ करने वाला बच्चा है आपके घर में तो उसको हाई प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये एक मील है। पेट और मन दोनों चीज़ मज़े से बढ़ेंगी। ये देखिए हमने इसमें डाला है कड़ी पत्ता और दो हरी मिर्चें बीच में से काट के। ज़रा सा कड़ी पत्ता तड़कने लग जाए, हरी मिर्च भी तड़कने लग जाए, और उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। अगर ये कड़ी पत्ते वाला आप ऐसे डालेंगे तो उसका स्वाद और भी यम्मी हो जाएगा। लीजिए हमारी रेसिपी एकदम रेडी है। रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, बट कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बताइए कि कैसी लग रही है। आपके साथ मैं इतनी वीडियो अपनी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी फैमिली मेम्बर है, आप ही मुझे बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।